बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल किला ऑफ फूड सीक्रेट। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैं हाज़िर हूँ अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी के साथ। बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही टेस्टफुल और ज़ायकेदार ये तैयार होती है। आप इसे रमज़ान रेसिपीज में भी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये कम वक्त में बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाती है। रेसिपी को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल के लाओ फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये अफ़गानी चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। तो मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ मैंने रख ली एक कढ़ाई, और इसके अंदर शामिल करूँगी मैं 1 कप ऑयल, क्योंकि अफ़गानी कढ़ाई के अंदर ऑयल की क्वांटिटी ज़्यादा इस्तेमाल होती है। वो इसलिए क्योंकि हमने इसके अंदर चिकन को फ्राई करना होता है। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल यहाँ गर्म हो गया है। अब इसके अंदर शामिल कर दूंगी मैं चिकन, और चिकन जो है वो मैंने 1/2 kg लिया है। ऑयल के अंदर इसको 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे, जब तक चिकन का जो है वो कलर चेंज नहीं हो जाता, और फ्लेम इसका जो है वो मीडियम रखेंगे। चिकन को 4 से 5 मिनट हो गए फ्राई होते हुए, और ये देखिए इसका कलर यहाँ चेंज हो गया है। अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगी टमाटर की प्योरी। 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे और इसको मैंने इस तरह से पीस लिया है। इसको शामिल कर देंगे और फ्लेम जो है वो कर देंगे हाई, और इसको पकाएंगे जब तक टमाटर का पानी जो खुश्क नहीं हो जाता और जो ऑयल है वो सेपरेट नहीं हो जाएगा। टमाटर का पानी यहाँ ड्राई हो गया, ये देखें, और ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया। बहुत ही अच्छी सी ये टमाटर की ग्रेवी बनी है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक, जिसको मैंने कूट लिया था। आप पीस कर नहीं इस्तेमाल करिएगा, इस तरह डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा इसमें। अभी इसमें मैं शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक, और इसको मिक्स करके लहसुन अदरक को 2 मिनट तक फ्राई करेंगे इसमें। लहसुन अदरक बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गया है इसके अंदर, और अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगी दही, जो 1 कप के करीब मैंने ली है। इसको डाल देंगे इसमें, और साथ ही मैं शामिल करूंगी इसके अंदर ज़ीरा कुटा हुआ है, ये 1 टीस्पून, और ये 4 अदद हरी मिर्चें दी थी मैंने, इसको लंबाई में इस तरह से कट कर लिया। इसको भी शामिल कर देंगे, और अब इसको मज़ीद भून लेंगे ताकि पानी जो दही का जो पानी है वो ड्राई हो जाए, और जो मसाला वो अच्छे से तैयार हो जाए, और चिकन भी जो है वो पक जाए। फ्लेम हम यहाँ पर हाई रखेंगे, वो इसलिए क्योंकि चिकन को पहले हमने 4 मिनट तक फ्राई किया था ऑयल के अंदर, फिर इसके अंदर टमाटर शामिल करके पकाया था इसको, और अगर हम अभी फ्लेम लो करके पकाएंगे तो ये चिकन की बोटियाँ जो है वो टूटना शुरू हो जाएंगी, इसलिए हम फ्लेम हाई करके इसका दही का पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे। दही का पानी देखें यहाँ ड्राई हो गया है, और ऑयल की जो है वो इसका सेपरेट हो गया है। यही निशानी है कि मसाला जो है वो बहुत ही अच्छे से यहाँ तैयार हो गया है, और चिकन भी तकरीबन पक चुका है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च अभी लास्ट में मैं इसलिए शामिल कर रही हूँ क्योंकि इससे जो है वो चिकन जो है वो थोड़ी काली हो जाती है, तो इसको लास्ट में इसलिए मैं शामिल करूँ, इससे ये काली नहीं होगी और बहुत ही अच्छा सा यहाँ इसका टेस्ट आएगा। 1 से 2 मिनट ऐसे पकाएंगे इसको ताकि जो काली मिर्च शामिल की है वो अच्छे से कढ़ाई के अंदर मिक्स हो जाए और बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। ये इतनी मज़ेदार है कि आप इसका जायका जो है सालों याद रखेंगे, और खुशबू तो पूरे मोहल्ले में इसकी फैल जाएगी। यहाँ ये काली मिर्च जो है वो बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है, और अब इसके अंदर मैं शामिल कर दूंगी हरा धनिया खुशबू के लिए। बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है हरे धनिए का, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह से इसकी लुक देखें आप, कितनी खूबसूरत लग रही है, और इसकी ग्रेवी देखें कितनी अच्छी तैयार हुई है, बहुत ही ज़बरदस्त है, बड़ी लाजवाब है ये। जब आप इसको ट्राई करेंगे आपकी बहुत सारी तारीफें होने वाली हैं। दो
2 मिनट तक इसको भूनेंगे ताकि जो धनिया का फ्लेवर है वो भी अच्छे से मसाले के अंदर आ जाए और बड़ी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी इसकी। अफगानी कढ़ाई यहाँ पककर तैयार हो चुकी है और यहाँ आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल है, क्योंकि कढ़ाइयाँ जितनी भी बनाई जाती हैं उनके अंदर ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो इस स्टेज पे आप यहाँ ऑयल इसका निकाल सकते हैं। अभी मैं चूल्हे का फ्लेम बंद कर दूँगी और इसको मैं नीचे उतार दूँगी। अफगानी चिकन कढ़ाई यहाँ पककर तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह देखने ही में इतनी खूबसूरत लग रही है और खाने में इसका जायका जो है वो लाजवाब है। और जब आप दावत के मौके पर इसको बनाएंगे या ईद पर बनाएंगे तो आपकी बहुत सारी तारीफें होने वाली हैं, बहुत सारी दा मिलने वाली है आपको। तो मज़ेदार सी रेसिपीज बनाने के लिए देखते रहे मेरा चैनल किला ऑफ फूड सीक्रेट। लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने प्यारों को शेयर कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।